बबीता जी की बढ़ती मुश्किलें। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ पिछले साल SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में वो अग्रिम जमानत के लिए हिसार की विशेष अदालत गई थी, जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पिछले साल 9 मई को मुनमुन का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि अभिनेत्री ने उसके बाद माफी भी मांग ली थी। क्या हलचलों के साथ श्री गणेश होगा संसद के बजट सत्र का? संसद का बजट सत्र सोमवार को हलचल के साथ शुरू होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष पेगासस स्पाइवेयर कंट्रोवर्सी, किसानों के मुद्दे और भारत चीन सीमा विवाद जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लोकसभा और राज्यसभा के भाषण से होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पेगासस स्पाइवेयर पर आज सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सरकार 224 के चुनावों से पहले कथित लागत से दोगुनी कीमत पर नई स्पाइवेयर प्राप्त कर सकती है। पेगासस स्पाइवेयर के कथित उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका भी दायर की गई है, जिसमें अदालत से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का संज्ञान लेने और 2017 में इसराइल के साथ रक्षा सौदे की जाँच का आदेश देने की मांग की गयी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कैंडिडेट्स को दिखाए गए काले झंडे, कीचड़ भी फेंकी गई। पश्चिमी यूपी के गांवों में 10 और 14 फरवरी को पहले दो चरणों में मतदान होने वाले गांवों में भाजपा उम्मीदवारों के काफिले को काले झंडे दिखाए जाने या उन पर कीचड़ फेंकने की एक दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। एक घटना में जहां 24 जनवरी की शाम को चूर गांव में भाजपा के सिविल खास उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह पर हमला हुआ, वहीं 20 लोगों के नाम पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 65 अज्ञात के रूप में सूचीबद्ध हैं, जबकि मणिपाल सिंह ने शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने गुरुवार को खुद ही प्राथमिकी दर्ज की।